सन्मान योग भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी, भाई गुरदास साहब जी की रचना विचों वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला और जैत श्री राग दे संत नूं सुन यार हमारे सज्जन एक करुण बेनंतिया कीर्तन विच सरवण करा के गए। दास ने जो सुबह भी बेनती की थी, भाई साहब ने कहा पटना साहब की धरती तो आए हाँ कुछ लेके चलिए। मैं उस गल नूं उस कीर्तन विच जो बोलिया अगे बेनती करांगा। एक तो बड़ा स्पष्ट है कि आपे गुरु ते आपे चेला है। उंज वैसे परमेश्वर का एक सुभाग है, वो दोनों सिरियां विच आपे ही खेडदा हुंदा। मैं बस वो बेनती करनी है, एक गुर चेले का कंसैप्ट की है, ये कित्थों शुरू होया। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जदों भाई साहिब पढ़ रहे सन, मेरे मन च ख्याल आया आपे रसिया आप रस आपे रावण खा। आपे गुरु चेला है ना जी, शब्द आपे। हुण शब्द है आपे रसिया, रसिया का अर्थ है ओ पदार्थ जिस विच रस भरिया। ये तीन गल्लां ने, आपे रसिया आप रस आपे रावण खार। आपे रस अर्थ पदार्थ रस वाला है, आपे उस रस नूं मानन वाला है, आप ही रस। तीन चीज़ां आ सामने, एक फुल है, फुल विच सुगंधी दो, ते तीसरा आके भवरा बह जाए तीनों। इस तरह है आपे रसिया आप रस आपे रावण खार। रस भी आप, पदार्थ भी आप, ते मानन वाला भी आप। आपे होवे महाराज कहते चोलड़ा आपे सेज पता, मानन वाला भी आप ते वजूद भी आप। जेड़ा गुरु चेले की गल की भाई साहब ने, सब तो पहला गुरु चेले की घटना करतारपुर साहब की धरती ते वापरी। मैं आपनू बेनती तां कर लगा कि जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत की दात दी, उस वक्त पंजा नूं कहा भी मैनूं अमृत की दात तुसी दिओ, ते उन्हां कहा महाराज आप समर्थ गुरु। ते कवि संतोख सिंह कहिंदे ने कि केसगढ़ की पहाड़ी ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा खालसा जी मैं वह कुछ अज मुकम्मल कर दिता है जिवें गुरु नानक साहब के चरणा च लैणा जी मत्था टेकदे रहे। शरीर संकोचन तो पहला गुरु नानक साहब ने लहने के चरणों में मत्था टेक दिया। गुरु चेला ते चेला गुरु बनया। थोड़ा जा सुनियो मेरी इस बेनती, क्योंकि टाइम मेरे को सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट दिते है, 5 ते मैं शुरू किया, 25 ते मैं फपे बुला, क्योंकि मैं पता है एक एक मिनट बड़ा इतने कीमती। जदों महाराज जी ने कृपा की, गुरु ग्रंथ साहब च वचन आंदा जी रामकली की वार का, वो सत्ता ते बलवंड जी गुरु के रबाबिया ने उच्चारण की। वैसे उदा सरलेख के रामकली की वार राय बलवंड तथा सत्ता डूम आखी। भाई वीर सिंह कहिंदे ने राय एक पदवी गए ते बलवंड जी नूं पदवी ये धन गुरु अंगद देव ने दित्ती सी। उन्हां दा कीर्तन सुन राय एक पदवी है। महाराज जी ने उत्थे जिहड़ा पहला बचन है उस वार दा, ओ पौड़ी नूं थोड़ा जिहा पढ़िओ गुरचेला। ओ पौड़ी कहे नौ करता कादर करे तू बोल होवै जो खीम दै। सारे अर्थ नहीं करांगा। नौ करता कादर करे क्यों बोल होवै जो खीम दै, दे गुणा सत भैन पाराब कै पारंगत दान पड़ीन दै। नानक राज चलाया, मैं सुबह कहा सी कि गुरु गोबिंद सिंह अपने आप नूं पंथ दा प्रीचर कह रहा कि पंथ प्रचुर करबे को साधा, पर केड़ा पंथ? ओ पंथ जिहदा सिक्का गुरु नानक साहिब ने मारिया होया। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ दिलाया। ते ए वी असीं पढ़ने कि शब्द जित्ती सिट मंदली की तुस अपना पंथ निरा।
इस बेनती सुनो नानक राज चलाया सच कोट सतानी नींद लहने धर्योन छत सिर आपे गुर चेला लहने धर्योन छत सिर कर सिफती अमृत पीमद मत गुर आत्म देव दी खड़क जोर प्राकुवै जीद है अगलिया तुकां दे अर्थ करांगा बस टाइम दे लिहाज नाल गुर चेले याद रखियो गुरबाणी ग्रामर नूं समझण वाले नूं पता एक गुर दे रारे नूं सिहारी लगी एदा अर्थ है गुरु ने गुर चेला वखरा गुर चेले रह रास की एक असी रह रास शब्द वरतने मैनूं पता कई सज्जने भी कर दिया रह रास दा अर्थ राह राह दी पूंजी उंज वैसे रह रास दे अर्थ ने अरदास हर कीर्त हमरी रह रास हुण इत्थे शब्द है गुर चेले रह रास की इत्थे रह रास दा अर्थ है नमस्कार करना मत्था टेकना गुरु ने अपने चेले दे पैरां विच चरणां विच मत्था टेक दिता गुर चेले रह रास की ते अगली तो के नानक सलामत थी मंद बस आई एक बड़ी विलक्षण घटना सच एवे इत्थे बंदे छड के चले जांदे आ पिछों पग्गां दी खातर गोलियां चलदियां ने इस चाहीदे पर गुरु नानक साहिब महाराज उन्होंने गुरगद्दी अपनी हयाती भी दित्ती ते जोत टिकाण तो बाद कोई समा महाराज शरीर विच मौजूद रहे यही कारण के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अमृत की दात 1699 भी दित्ती ते महाराज जी ने शरीरक चोला 1708 विचों संकोचिया ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦਾ ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿਤੋਸ਼ ਜੀਵਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ चोला त्याग तो पहला ये शब्द कह दिते सन बाबा बसे ग्राम बगा ये जीव शब्द कैसे गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीमद शह टिक्का दितोष जीवद अपने जिंदे जी दिता मैं बेनती करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गल भाई साहब कर रहे ये गल बड़ी स्पष्ट जी आप सूझवान बैठे किसी ना हेठ नहीं मैं करांगा मैं तो यह भी शब्द चलो रात में अर्ज करांगा कि हिंदुस्तान की धरती ते भाषा के नाते भी खेड फैलाई गई गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरु गोबिंद सिंह की शब्दावली एवे जिन्हें भाषा के था ना थले नफरत दीवारां तोड़ के रख सच एवे एक दी भाषा नूं कह रहा काफरां दी बोली दूजा कह रहा ये मलेशां दी बोली कमाल दी गल एक संस्कृत वह कह रहा मेरी देवबाणी ते अरबी पढ़न वाला कह रहा नहीं ये काफर है दूसरा अरबी पढ़ रहा ते उनु ए कह रहे मलेश दी बोली तुसी जदों जाप साहिब पढ़ते हो नवी वकैबलरी गुरु गोबिंद सिंह ने दित्ती कि तेरी दुनिया च मैं अज भी कहा अरबी ते संस्कृत नूं मेल दिता गुरु गोबिंद सिंह ने पंडित शिव दत्त ते भीखण शाह नूं एक थां ते बिठा दिता गुरु गोबिंद सिंह एक संस्कृत पढ़ रहा एक अरबी दियां ऐदां पढ़ रहा आ शब्द पढ़ो समस्तुल निवास है समस्त शब्द संस्कृत है उल शब्द अरबी का है गुरु ने सच एवे नमाज वाले ते वेद वाले नु कठिया जोड़ के कहा नफरत मत कर भाषा दे नां ते आ मैं तेनू तेरी बोली विच रब दा जाप करना सिखाना गुरु ग्रंथ गोबिंद सिंह प्रीत पैगंबर ने ओ प्रीत दे पैगंबर मैं बेनती जड़ी कर लगा महाराज उन्होंने 1699 नु बख्शिश की जिस वक्त अमृत की दात दिती कवि संतोख सिंह दे शब्द ने ओ कहिंदे ने खालसा गुरु गुरु खालसा करूं मैं अब जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनी मैं कल एक बेनती शायद इतनी की सी असी सारे सरबंसदानी कहने कोई शक नहीं कि गुरु तेग बहादुर दे परिवार का यह मानवता कभी देना दे ही नहीं सकता सचे मैं सवेरे क्या 45 साल की उम्र गुरु तेग बहादुर जी की जिदन पुत्र घर जन्म लैंदा 54 साल की उम्र जिदन गुरु तेग बहादुर शहादत का जाम पीदा 9 साल सिर्फ पिता जी को 9 साल कोई समा इतों का यदा कोई मुल नहीं सरबंसदानी पर खालसा जी सब तो वड्डी दात एक स्थान तो सानू दित्ती ते उनू सर्व स्थाना ते लागू कर दिता दित्ती एक स्थान पर यह नहीं कहा केवल इस स्थान पर रहेगी
केसगढ़ ते अमृत की दात दिती। मैं विशा कुछ होर बोलना सी, भाई साहब बड़े वजद विच गा रहे सन, आपे गुरचेला उन्होंने पंजा विच अपनी बख्शिश लगाई दात दिती। पर अगली गल कह दिती, जेड़ी मैं पंजा नूं दे चलिया इतनी सर्वव्यापक है, इको वेले इको थां ते वक् वक् मुल्कां विच जिथे भी पंज अमृत संचार करनगे मैं सारिया थावां ते वरता। फिर बेनती कला यह नहीं कि केसगढ़ अमृत होवे ते गुरु गोबिंद सिंह केवल उत्थे इको वेले इस धरती ते, क्योंकि आपे रावण हार है ना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे शब्द कहे, खालसा गुरु गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को किनियो, शंक ना करी जय सावधान पर दी जय, अब अमृत शिकावो मोहे जैसे तुम लीनियो, काल हूं के काल अस केता है अकाल प्रभु, धीरे कृपालियो हुक्म खमे दीनी। और अगली बेनती जेड़ी मैं कर लगा, बड़े सरल जे शब्द, एक शब्द दे ग्रंथ, दूजा शब्द पंथ, यही ना जी असी पढ़ने महाराज की बाणी असी कर गुरु ग्रंथ साहब जी, दूसरा शब्द वर्तने खालसा पंथ। इन्हों दो शब्दों की गहराई जाके देखिए, एक बार मैं कुछ बेनती की, मान लो ये गुरु ग्रंथ साहब की ग्रंथ है, और ये दोनों शब्द संस्कृत दे, गुरु शब्द भी संस्कृत का तो ग्रंथ भी संस्कृत का, उंज ग्रंथ के बड़े अर्थ ने, पर गुरमुखो ग्रंथ का एक अर्थ भी ये भी कह गुंडना, एक थान ते कठिया करना। मैनू इंज लगता है कि एक पासे सचे वे सिख धर्म ही इस प्लैनेट उत्ते मानवता की अगवाई कर सकता है। ये गल याद रखियो कि गुरु नानक साहब तो 300 साल पहला एक शिवदत्ता वारस गए, एक भीखण शाह का वारस गए, शिवदत्ता वारस भगत जयदेव गए, भीखण शाह का वारस बाबा फरीद गए। चेते रखियो एक नमाज पढ़ता है, दूजा परमात पुरख मनोगमन कहता है, ते गुरु ने बंगाल विच ते पंजाब विच रहन वाले दोनों गुरु ग्रंथ साहिब विच इकट्ठे कर दिते। शब्दावली दोनों की मेल निखा, शब्दावली वक्री, वह संस्कृत बोल रहे हैं परमात पुरख मनोगमन, ये ठेठ पंजाबी बोलता, बोल है शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, दोनों फिजिकल तौर पर मिले भी कितने कितने, बाबा फरीद ते भगत जयदेव नहीं मिले। मेरी एक बेनती बहुत सुनो, तुम सूझवान बैठे हो, यह ना अर्थ करो कि एक चमार की बाणी लै ली, एक ना छिंबे की लै ली, गुरु ने पोलिटिकल पार्टी नहीं तैयार की, इतने उन्हों की बाणी जेडे आत्मदर्शी ने ते परमात्मा च अभेद ने, उन्हों का चम भी मुबारक है तो उन्होंने कपड़े धोने भी मुबारक, ये आत्मरसियां की बाणी है, अभेदता वाले की बाणी है। सुनो बेनती, महाराज जी ने यह कृपा की। हुण गुरु ग्रंथ साहिब च सारे शब्द, थोड़ा जिहा इस गल नूं मैं आउणा सिर्फ उस ते, गुरु ने की मान दिता, आप पाठ कर दो, रात में क्या पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च 19 राग गुरु नानक साहब के, 13 श्लोक गुरु अंगद देव के, 17 रागों गुरु अमरदास, 30 रागों गुरु रामदास के गुरु अर्जुन देव, 15 रागों गुरु तेग बहादुर, सैकड़े शब्दों में कितने गुरु ग्रंथ साहब च विखा दो लिखा हो सरलेख के बाणी गुरु नानक देव जी की। नो महला पहला, पर जो कबीर जी की गल की उत्ते बकायदा लिख दिता बाणी भगत कबीर जियो की, बाणी भगत रविदास जियो की, बाणी भगत नामदेव जियो की। मैं कहना सतगुरु कुर्बान जावा तेरे तो, तुसी सिर्फ अपनी बॉडी कह रहे हो पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं ते नौवीं, पर जो इस धरती के लोगों की रूखानियत नूं ठुड्डे मारे, तू इन्ना सन्मान दिता, तू ग्रंथ विच भगत कह के सत्कारिया, ते जिदन तू पंथ नूं आखरी टच दिता, सच ए वे ग्रंथ विच वख वख किते वख वख जातां वख वख रब दी नामावली वाले सन, ते जदों पंथ बनाया तू सारे एक थान ते खंडे बाटे इकट्ठे कर दिते, पंथ ओहदे विचों निकलिया जो गुरु ग्रंथ विच पिया होया सी। इस बेनती नूं फिर ध्यान नाल सुणो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह बख्शिश की। खालसा जी उन्होंने, असीं कहिंदे संसारिक तौर पर किहड़ा दुख है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ते नहीं टुटिया, मैनूं दसो कोई है दुख जिहड़ा नहीं टुटिया। बिल्कुल समाप्ति मैं कर लगा, पर जदों महाराज माछीवाड़े जाते हैं उदों कवि सैनापत ने, गुरु शोभा ग्रंथ जी महाराज का कवि सी मेन, उन्हें एक माछीवाड़े के प्रसंग तो पहले एक दोहरा लिखे, वह कहिंदा निरंकार अपारगत
कथन ना जाए अपार। कहने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गति निरंकार वर्गी है। निरंकार अपार गत बोगद कियो विस्तार, समय त्याग छिन में दियो रहो सो एक अंका। मैं जो पढ़िया मैं क्या वाल सेनापत सिरे लाती गल। वह कहना गुरु गोबिंद सिंह के घरों छड़न की जो व्याख्या करनी है निरंकार की रचना न जोड़ के करो। जो मौज होंगी है वह पहाड़ बनाता है, तारे बनाता है, सूरज बनाता है, करोड़ा करोड़ा ब्रह्मांड साज देता है। जो मौज आती है सारे साजे इकट्ठे कर देता। कलगी वाले जितन मौज आई किले बनाए, घोड़िया ते चढ़िया, शाह सवार बनिया, तू महले कटे पुत्र तेरे कोल, पर जितन तेरी मौज आई सब कुछ संकोच के कले का कला जंड दे थले बैठा हुआ। तेरी गत जड़ी है निरंकार वर्गी। गुरु गोबिंद सिंह बारे शब्द ने निरंकार अपार गत बोध कर विस्तार, सब त्याग छिन में दियो रहस्य एक। गुरु गोबिंद सिंह जी अपना आप सब समा समाप्त सिर्फ दो मिनट में फते बुला देनी। सब कुछ अपना किनू दिता प्यारे हो? भाई साहब ने जो कहा सानू ये मान है कि गुरु ने चेला गुरु ते गुरु चेला, पर जिंदगी च कदी भी ये शब्द नहीं कहना मैं गुरु गोबिंद सिंह का गुरु बन गया। उन्हें वड्याई दी आप चरण ही चुमते रहना। मेरी बेनती है इगो ना जोड़ के अर्थ ना करिए। महाराज कह के गए सेव करी इन्हीं की भावत और की सेव सुहात न जीको, दान दियो इन्हीं को भलो और आन को दान ना लागत निको। महाराज ने शब्द वरते कि मेरा सब कुछ इन्हों का है, पर असी फिर भी निम्रता विच रह के ना इको गल कहनी है कि कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। समाप्ति ते जी महाराज के अखीरले समय की घटना कह के जी मिनट दो ही बहादुर शाह कोल बैठा है गोदावरी का। कहना आ गंगा नदियां पूजिया जांदियां ने इंडिया विच, गोदावरी नू यमुना नू गंगा नू सरस्वती नू। याद रखियो तुहाडा गुरु पटने तो चलिया ते कंगन सड़दा गया, जदों नदेड़ पहुंचिया ते हीरे ते नगीने सड़दा गया। उहने पूजा नहीं समझो बहादुर शाह बैठा है वो चूंडी वरदा चूंडी शब्द। चलो मैं तो अपने पंजाबी जहाँ वरत्या वरत्या करो पुराने शब्द, ये मर चले ने शब्द साढ़े। उन्हें एक गल कही गुरु गोबिंद सिंह आप जी की कैसी बीती, उन्हें पता सी पुत्र चले गए, मां चली गई, प्यो चलिया गया, सब कुछ चला गया। महाराज हस के कहंदिया बहादुर शाह मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा। बुलंदी दर ते शिखर, पस्ती दर का आप जानने जो कुछ भी नहीं। बहादुर शाह मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा, जिधर से भी गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। मैं जिथो लंघिया रब दे गीत गांदा गया, उस गुरु दी मस्ती रूहानियत दी मस्ती है। ओ मस्ती विच लंघदा पुत्र दी लाश कोल मुस्कुरा जांदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।